हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन है, तो वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने वन प्लस फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को आप कैसे लगा सकते हैं अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स वगैरह को फ़ोन में कैसे लगा पाएंगे और कैसे सेट कर सकते हैं वन प्लस फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर अलार्म्स को आप कैसे लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। इस पर जाकर आप अपने फ़ोन में अलार्म्स वगैरह को लगा सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं, जिसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि सेटिंग शो हो रही है, तो उस पर जाना है जहाँ से साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अलार्म वॉल्यूम को इंक्रेज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने अलार्म वॉल्यूम इंक्रेज कर दिया, जिससे वॉल्यूम आपके फ़ोन में बढ़ जाएगा, जिससे आप अलार्म को सेट करते हैं तो उसमें अलार्म साउंड शो करेगा, जिसमें से आपको स्लाइड करना और उस पर जाना है क्लॉक आइकन्स पे। तो क्लॉक आइकन्स पे जाकर भी अलार्म्स को आप सेट कर सकते हैं और कर पाएंगे अपने वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। जिससे इस तरीके से ऑन कर दिया अलार्म्स को तो ऑन हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो टाइमिंग भी यहाँ से कोई और लगा सकते हैं इस तरीके से, और डन कर दिए टाइमिंग अलार्म सेट हो जाएगा, जिसका आप यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरीके से भी अलार्म को आप लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपने वन प्लस नोट 3 5G फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और कर पाएंगे वन प्लस फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।